हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन बैच। रिवीजन बैच में स्वागत है आपका। टारगेट हमारा 35 out of 35 अभी भी रहने वाला है। जितनी वीडियोस भी आएंगी सब में टारगेट आपका 35 out of 35 रहने वाला है। सॉल्यूशन चैप्टर की ये आपकी लास्ट वीडियो है। इससे पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दिया जाएगा या आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। आराम से वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को कवर हम पूरा कर चुके हैं इस वीडियो के साथ, और सॉलिड स्टेट को भी हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक सिंगल पॉइंट नहीं है जिसमें आपका 35 out of 35 टारगेट जो हमने रखा है वो आपका अचीव ना हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ, जो जिसका नेम है आपका, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी है क्या? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी रहेगी आपकी वो क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, पहले वो समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद उसका एलिवेशन के बारे में बातचीत हम करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सिंपल से हम जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जो किसी लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे वाटर है आपका, वाटर लिक्विड फेज में, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म से अगर उसे वेपराइज फॉर्म में लाया जाएगा तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत पड़े तो डेफिनेशन इतना डीप में नहीं जाना हमें, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधे हम एलिवेशन की बात करेंगे। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन आपका सिंपल सा ये होता है, अगर मैं समझाने का आपको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूँ, कि नॉर्मल हम वाटर लेते हैं, नॉर्मल वाटर जो लेते हैं, नॉर्मल वाटर का अगर फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो वाटर जो होता है, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करें, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बॉयल होता है वाटर, ठीक है भाई। लेकिन हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो एलिवेशन होता क्या है? एलिवेशन सिंपल से होता है कि आपने नॉर्मल वाटर ले लिया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए ये है कि आपने एक मूवी सीन देखा होगा या बहुत सारी मूवीज में देखी होगी कि पुरानी जो मूवीज आती थी, ओल्ड जो मूवीज आती थी, उनमें कार चलते चलते एकदम रुक जाती थी, यानी उसका इंजन गर्म पड़ जाता था, उसका जो वाटर होता था, पानी जो होता था उसमें, वो क्या हो जाता था? ख़त्म हो जाता था, जो सूख जाता था। उस पानी को, हालांकि नॉर्मल वाटर का हम इस्तेमाल उसमें नहीं करते, होता तो वाटर ही है लेकिन उसे नॉर्मल वाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कुछ उसमें इलेक्ट्रोड्स भी मिक्स किए जाते हैं, एक हैवी वाटर की तरह उसे बनाया जाता है। हैवी वाटर क्यों बनाया जाता है? हैवी वाटर हमें इसलिए बनाना पड़ता है वो, ताकि नॉर्मल वाटर कर देंगे, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर पहुँचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसे वेपर फॉर्म में चेंज करना शुरू कर देगा। वेपर फॉर्म में चेंज करना शुरू कर देगा तो उसका टेम्परेचर और राइज होगा, जिससे हमारा इंजन और गर्म पड़ सकता है। हैवी वाटर उसे इसलिए बनाया जाता है ताकि हैवी वाटर रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू नहीं होगा, 100 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म से वेपराइज फॉर्म में नहीं जाएगा वो। तो हैवी वाटर बना देंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, कुछ और बढ़ेगा, तो जिसके कारण जितना उसे वेपर फेस चाहिए था वो उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो आसानी से वेपराइज फॉर्म में नहीं जा पाएगा। उसी पॉइंट को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो एक और एग्जांपल ये रहेगा कि नॉर्मल वाटर हमारा जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, उसमें हमने मिक्स कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट हम मिक्स कर देंगे तो नॉर्मल जो वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा था, बॉयल जो कर रहा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें सॉल्ट मिक्स आपका हो चुका है। सॉल्ट जब मिक्स हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन जो बन के आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसे हम ब्रैंड सॉल्यूशन कहते हैं, अगर उसे हीट शुरू करेंगे, उसे देना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ाना जब चालू करेंगे, तो 100 डिग्री पर नॉर्मल वाटर बॉयल हो जाएगा, लेकिन पूरे सॉल्यूशन को बॉयल हमें कराना है, पूरे सॉल्यूशन की वेपर फेज देखनी है। पूरे सॉल्यूशन के वेपर फेज अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल आपका वाटर 100 पर हो रहा है तो वो 100 डिग्री से ज़्यादा ही तो होगा। 100 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 102 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। और जिस पॉइंट पर, यानी जितने पॉइंट वो बढ़ रहा है, उसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। नॉर्मल वाटर आपका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ब्रैंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ब्रैंड सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो राइज होकर कितना हो जाएगा? 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फिक्स नहीं है बेटा, 104 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। अब ये कितना पॉइंट बढ़ा, यानी टोटल निकालने के लिए, टोटल अगर हम देखें, टोटल एलिवेशन पॉइंट अगर फाइंड करने की कोशिश करें, टोटल बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टोटल बॉइलिंग पॉइंट जो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डेल्टा टी भी अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा?
टी नॉट बी माइनस टी बी, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस होगा प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे तो आसानी से डेल्टा टी वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डेल्टा टी वी की वैल्यू निकालने के लिए इससे पहले हमने कंसंट्रेशन रिलेटेड वेपर प्रेशर देखा था, हमने पिछले लोअरिंग वेपर प्रेशर देखा था, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि कुछ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी, वो पहली प्रॉपर्टी यानी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली जो प्रॉपर्टी थी जो हमने कल डिस्कस की थी, यानी रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने क्या देखा था कि जो मोल्स होते हैं, यानी मोल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे उसका वेपर फेस, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर फेस हमेशा कम रहेगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर फेस से। प्योर सॉल्वेंट के वेपर फेस से, यानी ये एग्जांपल मैंने कल समझाया था, यहाँ कोई सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इनके बीच में सॉल्यूशन सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट है तो एवेपोरेशन जो होगा इसका, अगर बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बजाय प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के। प्योर सॉल्वेंट अगर देखेंगे तो यहाँ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, प्योर सॉल्वेंट के होंगे, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी है क्योंकि ये एक पूरा सॉल्यूशन है। इसका जो वेपर फेस होगा, इसका जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के लोअरिंग वेपर प्रेशर से, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो उसी को प्योर बॉइलिंग पॉइंट में से अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का माइनस कर देंगे तो आराम से हम बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज हो रहा है, एलिवेशन कितना निकल कर आ रहा है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसे हम एलिवेशन ऑफ पॉइंट कहते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्राइन सॉल्यूशन, यानी वाटर के अंदर हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर जैसे हम सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो जो टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट दे रहा था वो कितने पर देगा, 104 पर देगा। अगर इसका एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें तो कितने पर है प्योर का और सॉल्यूशन पर कितना दे रहा है, वो माइनस कर देंगे हम आराम से, कितना हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया इसका एलिवेशन हो गया। किसके कारण हुआ, सॉल्ट मिक्स करने पर इसका जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 4 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी वी सोल्यूशन का है टी बी और ये आपका टी नॉट बी, करेक्शन कर लेना भाई इसमें, टी वी माइनस टी नॉट बी, टी वी माइनस टी नॉट बी इसका जो रहेगा वो करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। और हम एक जानते थे राउल्ट्स लॉ से क्या था कि जो टोटल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने ही मोलरिटी के, अपने ही मोलरिटी के, ये क्या होगा अपने ही मोलरिटी के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा आपका के बी और एम। और हम जानते हैं कि मोलरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की जगह के बी, मोलरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्लू वन मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ से आराम से हम डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या के बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी डब्लू टू अपॉन एम टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये फॉर्मूला एक तैयार आपका हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इससे हम के वी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से के वी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर देंगे, ये जो पॉइंट रहेगा आपका वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल सा ये जो लिखा हुआ है वही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेज आता है, बॉइलिंग की जगह क्या हो जाता है
फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। एग्जाम्पल जो अभी दिया था उन्हीं को समझने की कोशिश करूँगा। अगर इसका एग्जाम ग्राफ समझने की कोशिश करें, जो ग्राफ आपके बुक में आपको दे रखा है, यानी कि यहाँ आपके वाटर पेपर वेपर प्रेशर दे रखे हैं और इधर आपका टेम्परेचर दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखे हैं, इधर आपका टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ कोई एक पॉइंट ये था, अगर मैं इसे बॉयल करना चालू करूँ तो यहाँ से बॉयल हुआ और यहाँ जाकर ये रुक गया, यहाँ पर बॉयल हुआ और यहाँ जाकर ये रुक गया, यहाँ जाकर जो रुका है, यहाँ जाकर जो रुका ये किसका था? सॉल्वेंट का। किसका था ये? सॉल्वेंट का। किसका है भैया? सॉल्वेंट का। दूसरा हमने हीट देना चालू किया और यहाँ जाकर रुक गया, ये किसका है? सॉल्यूशन का। किसका है? सॉल्यूशन का। यहाँ रुक गया और यहाँ रुक गया। सॉल्वेंट वाले को नाम हमने दे दिया टी नॉट बी और इसको नाम दे दिया हमने टी बी। अब हमें डेल्टा टी वी अगर फाइंड करना हो, डेल्टा टी वी क्या होगा? इनके बीच का ही तो होगा डेल्टा टी वी। डेल्टा टी वी क्या होगा? जो मैंने बताया था अभी, डेल्टा टी वी इक्वल टू टी वी माइनस टी नॉट बी, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही हमने टेम्परेचर चालू किया, यहाँ जाकर उसने अपनी वेपर फेस दिखा दी, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो दिया उसने यहाँ जाकर अपनी वेपर फेस दिखा दी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। इनके बीच का अगर टोटल टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश करें, यानी एलिवेशन पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें, तो लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर देंगे, निकल कर आ जाएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या, वो देखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कैसा होता है? और डिप्रेशन के लिए वही जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वही एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट में ले रहा हूं मैं, कि सॉल्ट और वाटर का आपका एक कॉम्बिनेशन है, वाटर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है। हम नॉर्मल जानते हैं वाटर जो आपका फ्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर देखें तो कितना होता है? जीरो डिग्री सेल्सियस। अब हमने ब्रैन सॉल्यूशन ले लिया अगेन, तो कितने पर होगा ये? जाहिर सी बात है माइनस चार डिग्री सेल्सियस पर जाकर होगा, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जीरो डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूरा जो सॉल्यूशन ले लिया हमने, ब्राइन उसमें मिक्स कर दिया, सॉल्ट उसमें मिक्स कर दिया, जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर और हमें गिराना पड़ेगा, तभी जाकर वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। और जो हम देखते हैं, जो हम आइस जमाते हैं, आइस जो जमती है, यानी कि नॉर्मल हमारी वाटर की आइस नहीं, जो ठेले वाले बेचने जो आते हैं, जो आइसक्रीम वाले बेचते हैं, उनके पास जो भी आइसक्रीम होती है उसमें हल्का हल्का टेस्ट नमक का आता है, वो किसकी वजह से आता है? उन्हें इसलिए इतना फ्रीज करके रखा जाता है ताकि वो जो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर आए तो आसानी से घुलने की फॉर्मेशन में ना आए, जिसके कारण एग्जांपल मैंने समझा दिया। ब्रैन सॉल्यूशन जो है, नॉर्मल वाटर हमारा जीरो डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, ब्रैन सॉल्यूशन कितने पर देगा? माइनस चार सॉल्यूशन पर अपना फ्रीजिंग पॉइंट देगा। अब इनके बीच में जो अंतराल आ रहा है उसी को कहा जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितने का हो रहा है वो हम नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस सॉरी जीरो में से इसे माइनस कर देंगे तो आराम से निकल सकता है फ्रीजिंग पॉइंट। फोर डिग्री सेल्सियस गिराने पर फ्रीजिंग पॉइंट हमें ब्रैन सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी समझने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा टीएफ अगर फाइंड करें इसमें, डेल्टा टीएफ तब हम फाइंड कर रहे थे डेल्टा टीवी, अगर इसमें डेल्टा टीएफ अगर हम फाइंड करेंगे तो डेल्टा टीएफ क्या निकल कर आएगा आपका? टी नॉट एफ माइनस टीएफ, और वहाँ क्या था हमारा? डेल्टा टीवी इक्वल टू टी वी माइनस टी नॉट बी। दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना भाई। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के माइनस कर देंगे, और बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट के माइनस कर देंगे। अगर इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो सिंपल सा यही होगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिटी। मोलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा आपका? कांस्टेंट। यहाँ से केवी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, टी एफ
इक्वल टू के वी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इक्वल टू एम वन अपॉन 1000। ये एक फॉर्मूला, अरे कट गया जी, ये एक, ये आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू के वी एम, ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका, फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू के वी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन एम वन अपॉन 1000। ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर ग्राफ की बात करें, हम फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ की बात करें, तो ये आपका वेपर प्रेशर है और यहाँ आपके हो गए टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ऊपर से है, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया हमने, इसका टेम्परेचर यहाँ चालू किया, गिराना हमने, ठीक है। अभी ये तो रहा आपका लिक्विड सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, अब जाहिर सी बात है लिक्विड सॉल्वेंट है। अभी यहाँ हो गया तो और पॉइंट जब गिराएंगे तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका फाइंड हम कर पाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट इसका हम फाइंड, और टेम्परेचर गिराने पर फ्रीजिंग पॉइंट इसका फाइंड कर लिया। अब एक हमने यहाँ ले लिया आपका सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक तो आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। इसको मान लिया हमने टी एफ और इसको मान लिया टी नॉट एफ, तो डेल्टा टी एफ क्या निकल कर आ रहा है, डेल्टा टी एफ निकल कर आ रहा है हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये दोनों डेरिवेशन आपकी क्लियर हो चुकी हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्लियर कर चुके हैं, और न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे इससे सिर्फ फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल कोई नहीं पूछा जाएगा इससे भी, ठीक है। ये यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, क्योंकि ऑस्मेटिक प्रेशर में भी एक क्वेश्चन बन सकता है या एक भी नहीं बनेगा, तो जितना पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था अपना पॉइंट हम करा चुके हैं। यहाँ चैप्टर सेकेंड का आपका समापन हो चुका है। उम्मीद ऐसी करेंगे कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता देंगे, भाई सर ने टारगेट बैच निकाला है जिसका नाम है रिवीजन बैच, जिसमें 35 आउट ऑफ 35 लाने का टारगेट है, एक बार इसे आप कर लेंगे तो आराम से 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर पर। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे हम द पी ब्लॉक एलिमेंट, उसे भी आराम से एनालिसिस करेंगे, आराम से डिस्कस उसे करेंगे और हर मेन पॉइंट उसमें देखेंगे। अगर ये सारी वीडियोस अगर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी रिवीजन बैच के सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं, द सॉलिड स्टेट, द सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट और आपका हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, फिनोलर, ईथर्स और बायो मॉलिक्यूल्स, ये सारी जब कवर हो जाते हैं तो एक एक या पाँच पाँच मिनट की वीडियोस में डालता रहूँगा आपके लिए। पाँच पाँच मिनट की वीडियोस में पूरा चैप्टर समराइज किया जाएगा, पूरे चैप्टर में है क्या और हमने क्या क्या पढ़ा, पाँच पाँच मिनट या दस दस मिनट की आपके पास वीडियोस पहुंचती रहेंगी, उसमें हम आराम से अपने आप को चेकआउट कर पाओगे कि हमें कितना आता है। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, वहाँ आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।